एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत आज आपको रूबरू करवाते हैं जयपुर की विश्व प्रसिद्ध विरासत जंतर मंतर से। जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला है। इसका निर्माण आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने 1724 से 1734 के बीच करवाया था। यह यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में भी सम्मिलित है। इस वेधशाला में 14 प्रमुख यंत्र हैं जो समय मापने, ग्रहण की भविष्यवाणी करने, किसी तारे की गति एवं स्थिति जानने, सौरमंडल के ग्रहों की दिशा जानने में सहायक हैं। इन यंत्रों से पता चलता है कि भारत के लोगों को गणित और खगोलीय संकल्पनाओं का कितना गहरा ज्ञान था। जयपुर के निर्माता महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा दिल्ली, जयपुर, मथुरा, बनारस, उज्जैन में वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया था। इनका जो समय रहा है वो 1688 ईस्वी के पश्चात रहा है। इसमें जयपुर की जो वेधशाला है बृहस्त वेधशाला है। इसमें सभी वेधशालाओं में खगोलीय घटनाओं की गणनाओं, उनके प्रयोग इत्यादि की गणना की जाती है, जिससे हम ये मालूम करें कि पृथ्वी से सूर्य कितनी दूर है, चंद्रमा कितनी दूर है। और आज आप संयोग देखिएगा कि जो महाराजा सवाई जयसिंह ने 1727 में जो बनाया था वही थ्योरी आज है कि चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी 5 लाख किलोमीटर है। तो जो भारतवर्ष ने जो चंद्रयान भेजा उसमें वही थ्योरी जो जयसिंह जी ने बनाई थी वो अब तक काम आ रही है। जो आज से 300 साल पुराने महाराजा सवाई जयसिंह जी ने जो यंत्र बनवाए वो आज भी पूरे वर्किंग कंडीशन में है, और इनसे हम जो भी कैलकुलेशंस होती है वो पूरा परफेक्टली देख सकते हैं उनको। जैसे कि राशि है, टाइम है, टाइम भी 2 सेकंड तक का समय हम इससे देख सकते हैं, राशि, नक्षत्र और लग्न वगैरह। तो ये राम यंत्र है, राम यंत्र जो आकाश में कोई भी चीज़ जो आपको दिखाई देती है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन आप उससे पता कर सकते हो, जिसमें कि एल्टीट्यूड है या एजुमथ है, ये सारी कैलकुलेशन हम यहाँ पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। तो ये बहुत ही एक अजब और अद्भुत चीज़ है जो महाराजा सवाई जय सिंह ने 300 साल पहले बनाई। Well, it's fascinating. It's so different from what we have in the U.S. I mean, we visited the palace, we visited the city palace, and we visited the palace outside, up on the fort. Yeah. And it's just so different from anything we have. It's grand scale. We have nothing like this in the United States that we can compare it to. That they developed this and it's so accurate from so many years ago. That's and all. For the future of. And for the future of India, for whatever. Yeah, I just think it's amazing. Surprises me कि जिस समय ये बना है कैसे उन्होंने बनाया, इतना accurately कैसे बता सकते हैं, calculate करते हैं. So बस amazed हूँ मैं in this moment. तो ये देख के बहुत ही अचंभा होता है कि इतने साल पुराने इतना सटीक कैलकुलेशन करना, इतना साइंटिफिक बेस्ड कैलकुलेशन करना और इन मीन्स को निकालना, व्हाट अ सुपर्ब आइडिया दे हैड। ये वर्ल्ड हेरिटेज का एक मतलब वर्ल्ड हेरिटेज में आता है ये, एंड वील फील मतलब 2010 से ही आई गेस ये वर्ल्ड हेरिटेज में है। और यहाँ के जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह है काफ़ी पुराने हैं और काफ़ी सही टाइम बताते हैं, अप टू 2 मिनट्स तक का आपको टाइम जो है वो पता चल जाएगा।